अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। दूसरा हमारी पंचायत में महिलाओं सर आप कौन से गांव से यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस पहुँचे और क्या कुछ पूरा मामला है? कि भमौरी से हम आए हैं और हमारा मंदिर है वहीं पे, वो मंदिर पे जो वो कब्जा कर रहे हैं वो बद्री केदार दोनों मंदिर के सामने से वो रास्ता ले रहे, उनको एक तरफ हमने रास्ता दे दिया है पर वो नहीं मान रहे, हमारी दीवार तोड़ दी। अच्छा, केदार की लाड़ी कब की घटना है ये? कल। अच्छा, तो आपने पुलिस में शिकायत करी थी इसकी? करी थी सर। तो पुलिस पर सर वो उतारी हो गए, वो भी उनने भी करी थी, हमने भी करी थी। हाँ। और पुलिस भी पंचायत पंचायत में हो सकता है उनकी तरफ ही हो। अच्छा, वो हमारी जमीन है, पंचायती जमीन है नहीं वो। कितना पुराना मंदिर है वो? वो तो 100 साल पुराना है। वो अब कब्जा करना चाह रहा है? वो उधर से रास्ता मांग रहे हैं, उसने दीवार तोड़ दी, बाउंड्री करी थी मंदिर की, वो दीवार तोड़ दी। जबकि उत्तर दिशा में उसका रास्ता दे दिया, रास्ता हमने एक तरफ से दे दिया पर वो मान्य नहीं कर रहे, वो रास्ता वो इधर रास्ता ले रहे मंदिर तरफ से। वाद विवाद भी करते हैं क्या? करते हैं ना, करते हैं। वो 3 महीने से चल रहा है झगड़ा। आपका नाम? मेरा नाम सुशीला बड़ोली। कहाँ रहते हैं आप? भमौरी। किस समस्या को लेकर अभी आप जन सुन रहे हैं? समस्या को लेकर आए हैं, प्रधानमंत्री जी के द्वारा नल जल योजना हमारे गरीब गांवों के लिए लागू की गई थी, जिसमें ठेकेदारों और कृषि विभागों को करोड़ों का ठेका दिया गया है, लेकिन पूरी योजना को उन लोगों ने मिली भगत से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है। 2-2 साल हो गए हमारी पंचायतों में काम शुरू किए हुए, लेकिन आज तक किसी भी व्यक्ति को पानी नहीं मिल पाया है। इसके बाद में जो कार्य किया है वो प्योर गुणवत्ताहीन किया हुआ है, जो भी रोड उन्होंने खोदी हुई आज तक रिपेयर नहीं कर पाई है, बगैर किसी उसके चैम्बर बना दिए हैं जो बीच रोड पे बने हुए, जिससे आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार होते जा रहे हैं। कल भी हमारे यहाँ एक बाइक सवार गया, इसके सिर पे चोट आई। उसके बाद में जो पाइप और ये लगाई हुई है, जो गाइडलाइन में दिया हुआ है उसके अनुरूप एक भी वर्क नहीं किया, मतलब पूरी योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। हमारी शिकायत आपने पहले की कहीं? इसकी शिकायत हमने संबंधित पीएचई विभाग जो हमारे संबंधित है वहाँ पर भी की, इसके अलावा जनपद भी को भी अवगत कराया, लेकिन कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान देना ही नहीं चाहता। अभी क्या पाइपलाइन बिछ गई है वहाँ पे? पाइपलाइन बिछ गई है, लेकिन वो भी अब उसको अगर 4 फीट नीचे गाड़ने का है तो 2 फीट नीचे गड़ी हुई है। इसके बाद में जो हरा वाला पाइप है उसको 4 इंच दबाना है, उसको मात्र 1-1 इंच दबाया है, जिसके बाद सीसी 4-4 इंच करना हुआ था गाइडलाइन के हिसाब से, जो 2-2 इंच ही करा हुआ है, जिससे वापस रोड उखड़ के खड़ा हो गया। पूरा गांव की मतलब हालत से बदतर कर दी है। क्या मांग की अभी आपने कलेक्टर साहब से? कलेक्टर साहब से मांग की है कि उसकी उचित कार्रवाई करके उसकी जांच कराएं और जल्द से जल्द हमारे यहाँ की नल जल योजना का कार्य पूर्ण करवाएं। अच्छा, किस किस गाँव से आए आप सरपंच लोग? मैं कोलाई पंचायत से हूँ, सरपंच साहब महीगांव पंचायत से हैं, पारस पंचायत देवचरी पंचायत से। कितने सरपंच आए टोटल? हम 10 से 12 सरपंच आए हैं। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र सोलंकी, सरपंच ग्राम पंचायत।